फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी ACL की स्क्रू के कंपैरिजन में बेहतर क्यों है, आज हम इसी बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों, ACL की जो सर्जरी होती है वो आजकल फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से पिछले 10 सालों से मैं कर रहा हूँ और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कोई 15-20 साल से चल रही है। सो आखिर हम इसके क्या एडवांटेजेस हैं और हमें एडवांटेजेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इसी पे बात करेंगे। बड़ा ही अच्छा वीडियो है, आप इस वीडियो को बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके रिसर्च पेपर भी देख सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और अपनी खुद की नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिले। सो आखिर सबसे पहले ये बात आती है कि आखिर इंटरनल ब्रेस की ज़रूरत क्यों आई। तो दोस्तों, जो हमारा जो ACL होता है, जब हम सर्जरी करके नया बनाते हैं, सो स्क्रू सर्जरी से सिर्फ ACL रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। मतलब अगर ACL टूट गया तो उसको निकालो और हैमस्ट्रिंग टेंडन से नया बना दो। जब हम इंटरनल ब्रेस की बात करते हैं तो उसमें रिपेयर भी पॉसिबल है और रिकंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है। रिपेयर का मतलब आपके ओरिजिनल लिगामेंट को भी रिपेयर कर दिया और उस रिपेयर को बचा लिया इंटरनल ब्रेस से। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब कि मैंने नया लिगामेंट बनाया हैमस्ट्रिंग टेंडन से पुराना निकाल के और मैंने उसको बचा लिया इंटरनल ब्रेस से। रिपेयर हमेशा बेटर रहेगा रिकंस्ट्रक्शन से, पर रिपेयर के कैंडिडेट बड़े कम रहते हैं। जिनका फीमर से टूटा हो या टीबिया से टूटा हो पर ACL इंटैक्ट हो, वही रिपेयर कैंडिडेट है। रिपेयर क्यों बेहतर रहता है इंटरनल ब्रेस से एज़ कम्पेयर टू स्क्रू सर्जरी, क्योंकि रिपेयर के अंदर हम आपके ACL की नॉर्मल एनाटॉमी बचा लेते हैं। नॉर्मल एनाटॉमी का मतलब हम लिगामेंट बचा लेते हैं, उसके अंदर की नर्व वेसल्स भी रह जाती है, उसके अंदर की ब्लड वेसल्स भी रहती है, सब कुछ इंटैक्ट रहता है। नए टेंडन से ACL रिकंस्ट्रक्शन करने में ये सब चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करती है, जिसमें 6-9 महीने लगते हैं। और नर्व्स तो तभी तो ग्रो करती है दोस्तों जब आप बैक टू स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, जो कि इंडिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं सर्जरी के बाद। तो शुरू से ही आपकी नी बड़ी कॉन्फिडेंट रहती है। इसमें जो ग्राफ्ट के जो कॉम्प्लिकेशन है, ग्राफ्ट में इन्फेक्शन हो गया, ग्राफ्ट फेल हो गया, ग्राफ्ट लंबा हो गया, ग्राफ्ट टूट गया, ग्राफ्ट ढंग से लिगामेंट में नहीं बना, ये सब खत्म है क्योंकि हमने ग्राफ्ट लिया ही नहीं, आपके ओरिजिनल ACL को रिपेयर कर दिया। इसमें जो छेद होते हैं वो बिल्कुल पतले होते हैं क्योंकि सिर्फ फाइबर टेप डालनी है हमें फीमर और टीबिया में। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर छेद मोटे करने पड़ते हैं क्योंकि टेंडन में डालना है फीमर और टीबिया में। तो सिग्निफिकेंट पेन लेस सर्जरी है, पेन कम हो रहा है, आप जल्दी ठीक हो रहे हैं, रिकवरी टाइम बहुत कम है। इन सब चीज़ों के साइंटिफिक एविडेंस के लिए आप ACLTear.com वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं क्या बेनिफिट है ACL रिपेयर के, क्या साइंटिफिक अपडेट्स हैं, पूरी दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, कौन से सबसे बड़े सर्जन क्या कर रहे हैं, ये सब आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं ACLTear.com। अब बात आती है और चीज़ों की कि आखिर जो हम नया लिगामेंट बनाते हैं दोस्तों, हमने आपका ACL बना दिया आपके नए हैमस्ट्रिंग टेंडन से। जैसा कि मैंने बताया, ये जो नए हैमस्ट्रिंग टेंडन है इसमें ना तो ब्लड वेसल्स हैं ना इसमें नर्व एंडिंग्स है, तो इसको मजबूत होने में लगेंगे 6-9 महीने, जिसका नाम है लिगामेंटाइजेशन। तो 6-9 महीने तक ये बेचारा कमज़ोर है, कभी भी टूट सकता है। तो आखिर हमारे ACL को बचाता कौन है? हमारे ACL को दोस्तों कई सारी चीज़ें बचाती है। पहली चीज़ जो ACL को बचाती है वो है हमारे थाई की मसल, कि अगर हमारी मसल्स अच्छी होगी, एक्टिवेटेड होगी, तो हमारे नए ACL को बचा के रखेगी, क्योंकि नया ACL 6-9 महीने तक कमज़ोर है। अगर मसल स्ट्रांग होगी तो इसको बचा के रखेगी, नहीं तो जिस दिन झटका लगेगा उस दिन सारा प्रेशर इस पर आएगा कि मसल कुछ ले नहीं पाएगी और ये टूट जाएगी। तो कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में क्योंकि इतना लंबा टाइम लगता है रेस्ट का, लगभग 1-1.5 महीने तक रेस्ट होता है, ब्रेस लग जाता है, बेंडिंग बना आती है, तो जो मसल्स हमारी वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। ये मसल कमज़ोर पड़ जाती है तो ACL का जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो ख़त्म हो गया, ब्रेस भी लग गया, रेस्ट भी हो गया, वॉकर भी आ गया। तो जिस दिन भी चोट लगेगी 6 महीने से पहले, उस दिन आपकी मसल्स आपके नए लिगामेंट को बचा नहीं पाएगी और खट से टूट जाए, क्योंकि ये वैसे ही कमज़ोर है। दूसरी चीज़ जो हमारे नए ACL को बचाती है या ACL को बचाती है वो है नर्व एंडिंग्स। हमारे ACL के अंदर प्रोप्रोसेप्शन नर्व एंडिंग्स होती है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती रहती है कि मेरे पास ACL है और उसका स्पेस में ओरिएंटेशन का है। तो कभी भी जब चोट लगती है तो ब्रेन हमारी मसल्स को सिग्नल देता है और मसल्स कोऑर्डिनेट करके हमारे ACL को बचा लेती है। नए ग्राफ्ट में आपके पास कोई नर्व्स नहीं है। नर्व्स तभी डेवलप होगी जब आप बैक टू स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। बैक टू स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस लगभग 6 महीने के बाद चालू होती है कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में, क्योंकि उससे पहले आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि करोगे तो ACL कमज़ोर है, टूट जाएगा। तो जो प्रोटेक्टिव नर्व हैं वो भी आपके साल भर में कहीं जाके डेवलप हो रही है अगर आप एक्सरसाइज करोगे। वहीं अगर हम इंटरनल ब्रेस से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक्सरसाइजेज बहुत जल्दी चालू हो जाती है, तो मसल्स आपकी बहुत जल्दी एक्टिवेटेड रहती है।
आपकी जो नर्व एंडिंग से वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है अगर रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि एक्सरसाइज जल्दी चालू हो गई। अगर रिपेयर हुआ है इंटरनल ब्रेस से तो नर्व एंडिंग्स हमेशा से ही मौजूद है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके नए ACL को बचा के रखती है, चाहे वो रिपेयर हुआ या रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में वो बचाव का जो मटेरियल है वो बहुत लेट डेवलप होता है। जब बहुत लेट डेवलप होता है और एक सर्जरी में वो मटेरियल बहुत जल्दी डेवलप हो गया या वो लॉस्ट ही नहीं हुआ, तो प्रोटेक्शन शुरू से ही है वहाँ पे, प्रोटेक्शन आते 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 6-7 महीने लग जाएंगे, उससे पहले कोई चोट लगी तो टूट जाएगा। आपका जो ACL बनाया है ग्राफ्ट से, उसमें है ना लंबे होने की कुछ क्षमता रहती है, मतलब उसको जब स्ट्रेस पड़ता है बॉडी का, जो ACL बना हुआ है जब उसको नी बैंड होता है हमारे नए ACL पे स्ट्रेस पड़ता है टेंडन पे और वो लंबा हो जाता है। एक लिमिट तक लंबा होता है पर उससे ज़्यादा लंबा नहीं होता। स्क्रू सर्जरी में, कन्वेंशनल सर्जरी में क्या करते हैं, आपका जो लिगामेंट है ना उसको टेबल पे खींच के रखा जाता है बहुत लंबे समय तक। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रख नहीं सकते क्योंकि सर्जरी भी करनी होती है, तो कुछ समय तक रखा जाता है, उसको स्ट्रेच किया जाता है, प्री स्ट्रेचिंग बोलते हैं, ताकि वो फ्यूचर में स्ट्रेस नहीं हो। पर दोस्तों वो कभी भी उस ऑप्टिमम लेवल की नहीं हो पाती। उस ऑप्टिमम लेवल ही करने के लिए आपको लिगामेंट फिक्स करके घुटना बैंड करना पड़ता है कई बार फिक्सेशन के बाद, मतलब मैंने बटन लगा दिया, स्क्रू लगा दिया, उसके बाद मुझे घुटना बैंड करना है ताकि मैं उसको ढीला कर पाऊँ, लिगामेंट को लंबा कर पाऊँ। स्क्रू लगाने के बाद आप घुटना बैंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्क्रू लगाने के बाद मैं घुटना बैंड किया तो पहले दिन से स्क्रू ढीले हो जाएंगे। इसीलिए स्क्रूज के बाद बैंडिंग है 2-3 महीने बाद आती है, उससे पहले नहीं आती। उस समय अगर लंबा हो गया तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, वो लिगामेंट लंबा और ढीले ही पा रहेगा। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह एडजस्टेबल बटन लगते हैं, तो जब नीचे बटन लगता है दोस्तों, तो बटन में छेद छोटा है और बटन बड़ा है, तो बटन फेल नहीं हो सकता अगर आप घुटना घुमा रहे हो। तो हमेशा इसके अंदर बटन फिक्स करने के बाद हमारे नी को रेंज ऑफ मोशन दिया जाता है कई बार, इससे हमारे लिगामेंट लंबे हो जाते हैं। क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह जनरेशन 2 के एडजस्टेबल बटन लगे हुए हैं, मैं दोनों टाइट कर सकता हूँ फ्यूचर में। तो इसमें मैंने लिगामेंट को इतना स्ट्रेच कर दिया कि और स्ट्रेचेबिलिटी इसमें रही नहीं। दूसरा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये 6-7 महीने तक कमज़ोर रहने वाला है, कन्वेंशनल सर्जरी में इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, ना तो इस पर प्रोटेक्शन है, ना मसल है और नई नर्व एंडिंग है, तीनों चीज़ें गायब है। वहीं इंटरनल ब्रेस सर्जरी में आपको फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से प्रोटेक्शन रहता है नए लिगामेंट को, जब तक कि वो कमज़ोर है तो वो लंबा नहीं होता, फट नहीं सकता, खींच नहीं सकता। अगर रिपेयर हुआ है तो नर्व एंडिंग पहले से ही मौजूद है, अगर रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो नर्व एंडिंग जल्दी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज हम बहुत जल्दी चालू करेंगे। नी बैंडिंग पहले दिन से आ जाती है, आपको ब्रेस की ज़रूरत नहीं, पहले दिन से आप पूरा वजन देके चलते हैं। स्क्वाट्स और इस तरह की एक्सरसाइज 3 वीक्स में चालू हो जाती है, 1 मंथ में जॉगिंग और 3 महीने में रनिंग चालू हो जाती है। तो लगभग 2-2.5 महीने में हम प्रोप्रोसेप्शन ट्रेनिंग चालू कर देते हैं पेशेंट्स की, सो जल्दी डेवलप हो जाती है। मसल्स हमारी लॉस्ट होती हैं तो मसल भी हमारे नए लिगामेंट को बचा के रखती है। यही सब चीज़ें कि इसके सक्सेस रेट हाई आते हैं। इंटरनल ब्रेस सर्जरी के अंदर दोस्तों हड्डी भी बिल्कुल नेग्लिजिबल काटी जाती है। अगर आपकी ACL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस हुआ है तो बिल्कुल पतली हड्डी कटेगी, क्योंकि सिर्फ फाइबर टेप जाएगा, टेंडन डालने की जरूरत नहीं है बोन में, तो मजबूती बहुत ज़्यादा बनी रहती है और पोस्ट ऑपरेटिव पेन बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम होता है, तो आप एक्सरसाइज आराम से कर पाते हैं। अगर आपका ACL रिकंस्ट्रक्शन विद इंटरनल ब्रेस हुआ है तो इसके अंदर भी फ्लिप कटर्स यूज होते हैं जो अंदर जाके खुल जाते हैं, तो इसके अंदर भी दोस्तों जो बोन कटती है जहाँ तक टेंडन जाना है वहीं तक खुला हुआ कटती है, बड़ी कटती है, बाकी बिल्कुल पतली कटती है। पेन सिग्निफिकेंटली कम होगा, हड्डी कम कटेगी, तो आपको मजबूती भी ज़्यादा बनी रहेगी। कल को अगर फ्यूचर में दोबारा ACL टूटता है तो भी हड्डी में इतने बड़े खड्डे नहीं हुए कि रिविज़न मुश्किल हो। सो हर चीज़ बेटर है अगर आप ऐसी सर्जरी करो जिसमें आपको डैमेज कम हो। स्क्रू सर्जरी में जो TBL का जो टनल होती है वो मोटी होती है, उसमें कॉर्टेक्स से लेके ऊपर तक थ्रू एंड थ्रू टनल की जाती है, चाहे फ्लेक्सिबल रिमर यूज़ करो या नॉर्मल रिमर, कोई भी रिमर यूज़ करो, बोन ज़्यादा कटेगी। फ्लिप कटर यूज़ करोगे तभी बोन कम कटेगी, अंदर जाके खुल जाएगा। फ्लिप कटर सिर्फ इंटरनल ब्रेस सर्जरी में यूज़ होता है, स्क्रू सर्जरी में यूज़ नहीं होता। सो पेन भी कम है, मजबूती भी ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली बेटर आउटकम आपको मिलेंगे। हम रखें आपका ख्याल।